हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से, और आप सभी का स्वागत है कॉमर्स हब की लाइव क्लासेस में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है, आज चूंकि 15 मई है और कल आत्मनिर्भर भारत अभियान के कोरोना पैकेज 2 पर काफी सारी घोषणाएं हुई है, और 9 प्रमुख घोषणाएं कल की तारीख में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने की है। तो उनके गुरुवार को दिए गए 1 घंटे 35 मिनट के भाषण में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिए 9 महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिन पर आज हमारी चर्चा रहेगी इस क्लास में। तो बने रहिए मेरी इस क्लास में ताकि आपको ये 9 ही जो प्रमुख महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाउसिंग सेक्टर को यहाँ पर बूस्टअप करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर बूस्टअप पैकेज दिया है, और इससे जो मध्यम वर्ग हाउसिंग सेक्टर या घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। आपको शायद पता हो तो CLSS स्कीम चलती थी मध्यम वर्गों के लिए, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, जो कि 31 मार्च को खत्म हो गई थी, 31 मार्च 2020 को, उसको गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, मार्च 2021 के लिए तक के लिए CLSS स्कीम का फायदा यहाँ पर गवर्नमेंट ने दिया है मध्यम वर्ग को, घर खरीदने वालों को जो भारत में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो खरीदते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उनको यहाँ पर फायदा दिया गया है। 2.5 लाख परिवारों को फायदा होगा जिनकी इस स्कीम को बढ़ाने से, जिनकी आय 6 लाख से लगाकर 18 लाख वार्षिक है। ओके, CLSS स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये स्कीम में आपको इंटरेस्ट पर फायदा मिलता है। जनरली इस पे जैसे 20 साल के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 4% इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। तो अगर कोई बैंक की नॉर्मल इंटरेस्ट रेट सपोज हाउसिंग प्रोजेक्ट पर मान लो 9% है, तो उस केस में आप अगर वो लोन लेते हैं तो आपको 4% इंटरेस्ट की छूट मिलती है। ओके, तो इससे 70,000 करोड़ का बूस्टअप मिलेगा हाउसिंग सेक्टर को, और हाउसिंग सेक्टर में तेजी भी आएगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड से अब देंगे किसानों को लोन, और इससे 2.5 करोड़ किसानों को फायदा होने वाला है। 2 लाख करोड़ रुपए के यहाँ पर ऋण बांटे जाएंगे किसानों को, और इसमें मछुआरों और पशुपालकों को भी शामिल किया गया है। ओके, और उसके अलावा यहाँ पर 30,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड किसानों के लिए जारी किए, जो कि नाबार्ड के जरिए किसानों को दिए जाएंगे। और ये जो लोन है राज्य सहकारी, जिला सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ये कर्ज के रूप में दिए जाएंगे। ओके, उसके अलावा अगर अपन बात करें जो प्रमुख घोषणाएं, मैं अभी थोड़ा इसको फास्ट ट्रैक पर आपको बता रहा हूँ कि जो प्रमुख घोषणाएं कल दी की है उसको फिर मैं डिटेल में आपको स्टडी करूंगा। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी यहाँ पर कम किराए वाले मकानों की सुविधा दी है, रियायती सुविधा मुहैया करी है पीएम ने यहाँ पर, जो हमारी गवर्नमेंट ने, जो आपको पता है तो जो प्रवासी लोग जाते हैं दूसरे शहरों में काम करने के लिए, उनको वहां पर सबसे बड़ा दिक्कत आता रहने का। तो शहरों में सरकारी निधि से रियायती इमारतों का निर्माण किया जाएगा और उन्हें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, और उनमें उन्हें मजदूरों को काफी किफायती किराए पर रियायती सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ओके, उसके अलावा मुद्रा शिशु लोन का भी यहाँ पर 2% ब्याज में छूट मिलेगी, 1 साल के लिए मिलेगा ऐसा कर्ज, 50,000 रुपए तक के ऐसे लोन होंगे जो 2% ब्याज में कटौती की जाएगी। इस तरह के लोन 1500 करोड़ रुपए तक के दिए जाएंगे। ओके, उसके अलावा भारत में एक नया राशन कार्ड यहाँ पर जनरेट किया जाएगा, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, जो कि प्रदेश में भी मिलेगा, उससे जो भी सहकारी योजनाएं हैं, अनाज है, वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा, और इससे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं और उनको राशन प्रणाली इजीली वितरण किया जाएगा राशन को, और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर भी आप उस राशन कार्ड के का बेनिफिट ले सकते हैं। अभी जैसे क्या होता है कि राजस्थान में कोई राशन कार्ड बनाया तो आप उसका फायदा महाराष्ट्र में नहीं ले सकते, तो ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कंसेप्ट गवर्नमेंट लेके आने वाली है। ओके, और जून से इस तरह के राशन कार्ड सिस्टम लागू कर दिए जाएंगे, और लगभग गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया कि मार्च 2021 तक 100% लोगों को ये कार्ड अलॉट किए कर दिए जाएंगे। उसके अलावा कैंपा कोष से 6,000 करोड़ रुपए देगी गवर्नमेंट, आदिवासी ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण और अन्य कार्यों के जरिए आदिवासियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे इससे।
उसके अलावा जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं उनमें 8 करोड़ मजदूरों के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान किया है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब देखिए, प्रवासी मजदूरों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है रोजगार की, तो उनके लिए उन्हें 2 महीनों के लिए मुफ्त अनाज दिया जाएगा। जिन मजदूरों का राशन कार्ड नहीं बना है उन्हें भी प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन और 1 किलो चना प्रति माह के हिसाब से 2 माह तक दिया जाएगा। और 3500 करोड़ रुपए का ये यहाँ पर उनको केंद्र सरकार उनके ऊपर खर्च करेगी और 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा ठेले वालों को भी यहाँ पर गवर्नमेंट 10,000 का लोन देगी। जित वित्त मंत्री ने जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं या पटरी पर या ठेले या जो घूमटी वाले जो लोग होते हैं, उन्हें 5,000 करोड़ रुपए का विशेष लोन सुविधा का ऐलान किया है। इससे करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को फायदा होगा। आप देखिए, लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा बुरी प्रॉब्लम में आ गए हैं वो मजदूर लोग और स्ट्रीट वेंडर हैं। इससे करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को फायदा मिलेगा और उन्हें 10,000 रुपए तक का कर्ज यहां पर दिया जाएगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट की जो 9 डिसीजन है इनके ऊपर हम अब 1 by 1 चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। ये है हमारा राहत पैकेज का दूसरा ब्लूप्रिंट, जो जिसकी क्लास आज मैं आपके सामने यहाँ पर लेने वाला हूँ। अगस्त तक 67 करोड़ गरीबों के लिए एक देश एक राशन कार्ड, जो बड़े डिसीजंस कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे FM ने ली उनमें लिए गए हैं। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज, 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का कर्ज यहाँ पर दिया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमन ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 प्रमुख घोषणाएं की हैं प्रवासी मजदूरों के लिए 3 और छोटे किसानों के लिए 2 घोषणाएं यहां पर ऐलान किया है। प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति व्यक्ति 1 किलो चना दिया जाएगा। सरकार 3500 करोड़ रुपए इस पे खर्च करेगी। 6 लाख से 18 लाख तक की सालाना आमदनी वालों को हाउसिंग लोन पर सब्सिडी अब अगले साल 31 मार्च तक मिलती रहेगी, जो कि इस साल 31 मार्च को खत्म हो गई थी। जो CLSS स्कीम के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पे जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता था वो कंटिन्यू किया गया है 31 मार्च 2021 तक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राहत पैकेज का ब्रेकअप बताया। उन्होंने कुल 9 घोषणाएं की, इनमें से 3 प्रवासी मजदूर, 2 किसानों और 1-1 घोषणा मुद्रा लोन, स्ट्रीट वेंडर्स, हाउसिंग और आदिवासी क्षेत्रों से में रोजगार से जुड़ी थी। 1 घंटे 35 मिनट की इस कॉन्फ्रेंस में कौन से ऐसे 9 बड़े ऐलान किए गए उन पर हम 1 by 1 यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला ऐलान, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिसमें 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति, 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। ये किसे मिलेगा? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं है या जिनके पास राज्यों की तरफ से मिले गरीबी कार्ड नहीं है, वे भी मुफ्त अनाज ले सकेंगे। कैसे मिलेगा? केंद्र सरकार 3500 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी। राज्य सरकारों को इस पर सिर्फ अमल करना होगा। और कब मिलेगा? कल से लगाकर, यानी आज 15 मई से लगाकर अगले 2 महीने तक ये मिलेगा प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन। दूसरी जो बड़ी घोषणा हुई है वो अगले 3 महीने में एक देश एक राशन कार्ड आ जाएगा। अभी तक प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्यों में जाने पर अनाज नहीं मिल पाता था, ऐसे गरीबों के लिए सरकार एक देश एक राशन कार्ड लाएगी। प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में भी कंट्रोल की दुकानों से राशन ले सकेंगे। मार्च 2021 तक देश भर में एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले अगस्त तक 23 राज्यों में 67 करोड़ गरीबों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा मिलेगा। इस तरह अगस्त तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फायदा उठाने वाली 83% आबादी एक देश एक राशन कार्ड के दायरे में आ जाएगी। ये दूसरा बड़ा डिसीजन था जो कि एक राशन कार्ड जो आप पूरे इंडिया में यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, इसका फायदा, सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को और प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। तीसरा जो बड़ा ऐलान किया गया है वो प्रवासी मजदूरों को कम किराए के मकान मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कम किराए के मकान की स्कीम लॉन्च होगी। प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों को इसका फायदा मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सरकार की फंडिंग वाली हाउसिंग स्कीम को इस स्कीम में बदला जाएगा। उद्योगपति, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और संस्थानों को भी इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि वे अपनी जमीनों पर अपनी यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों के लिए किराए के मकान बना सके। अब ये अभी
प्रोस्पेक्टिव है, अभी तक तय नहीं है कि ये कब से स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए सोचा है जो शहरों में रहते हैं और जिनको सबसे जिनको बहुत अधिक किराया देना पड़ता है और उसकी वजह से वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, अपनी फैमिली का पूरी तरह से पालन पोषण नहीं कर पाते, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर सोचा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे मकान बनाए जाएंगे जिनको सस्ती दरों पर किराए पर दिया जाएगा। चौथा जो बड़ा डिसीजन लिया गया है वो मुद्रा लोन लेने वाले वालों को राहत यहाँ पर मिलेगी। देखिए छोटे कारोबारियों को कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उन्हें सरकार कर्ज पर लगने वाले ब्याज में 2% छूट देगी, यानी जो मुद्रा लोन है उस पर 2% छूट होगी। ऐसे 37 लाख छोटे कारोबारियों को जिनका कारोबार अभी शुरुआती दौर में है और जिन्होंने 50,000 रुपए तक का कर्ज लिया हुआ है उन्हें 2% की इंटरेस्ट में छूट मिलेगी। सरकार इसके लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जो कारोबारी तय वक्त पर कर्ज चुका रहे हैं उन्हें अगले 12 महीने तक लगने वाले ब्याज में 2% की रियायत मिलेगी। ये उन छोटे व्यापारियों के लिए है जिन्होंने 50,000 रुपए तक का कोई मुद्रा लोन ले रखा है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उनका लोन चल रहा है, उनको 2% ब्याज में यहाँ पर छूट मिलेगी अगले 1 वर्ष तक। तो पांचवी बड़ी जो घोषणा है वो है 6 लाख से 18 लाख रुपए की सालाना आमदनी वालों को हाउसिंग लोन पर सब्सिडी मिलेगी। देखिए मई 2017 में सरकार मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए हाउसिंग लोन लेने पर सब्सिडी की योजना लाई थी। अब तक इससे 3.3 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा मिला था। पहले यह स्कीम 31 मार्च 2020 तक थी, यानी ये खत्म हो गई थी स्कीम इस साल। CLSS स्कीम कहते हैं, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर आपको इंटरेस्ट में छूट मिलती थी। इसे बढ़ाकर सरकार ने अगले फाइनेंशियल इस फाइनेंशियल ईयर तक कंटिन्यू किया, यानी इसका फायदा आप 31 मार्च 2021 तक ले सकते। ऐसे 2.5 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख से 18 लाख रुपए तक है इन्हें ब्याज में अलग अलग छूट मिलेगी। सरकार 70,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी और 31 मार्च 2021 तक इसका फायदा आप ले पाएंगे। अनुमान है कि इससे हाउसिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई में तेजी आएगी और मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। देखिए सब सभी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, पूरा एक चेन चलता है। आप कॉमर्स वाले समझते भी हैं कि अगर देखिए सिंपल सी बात है कि अगर जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो लोग तभी खरीदेंगे अब जब उनको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का बेनिफिट जो पहले मिल रहा था वो कंटिन्यू रहे। अगर वो खरीदेंगे तो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो धीमे पड़ गए जिनकी रफ्तार वो रुक गई है वो वापस चालू होंगे, जिससे सीमेंट इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री में बूस्टअप आएगा। और सबसे बड़ी बात है रोजगार लेबर वर्क को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो देखिए आपस में सभी इंटरकनेक्टेड होता है, इसी तरह से इंडस्ट्री बूस्टअप होती है और इसी तरह से हर तरीके से फायदा मिलता है, हमारे GDP को फायदा मिलता है, जो कंज्यूमर्स हैं उनको फायदा मिलता है, जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको फायदा मिलता है, जो लेबर हैं उनको फायदा मिलता है, सरकार को टैक्स की आमदनी होती है, तो हर तरीके से सभी लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिलता है इस तरह के डिसीजन से। छठा जो बड़ा डिसीजन लिया गया है 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए यहाँ पर डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने। देखिए स्ट्रीट वेंडर की भी बड़ी बुरी हालत है, आप सभी जानते हैं, लगभग 2 महीने से ज्यादा टाइम होने को आया है और लोग सभी घरों पे बैठे हुए हैं। देखिए वो बड़े लोगों को ज्यादा फायदा नहीं, ज्यादा नुकसान सबको हुआ, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं है कि रोजी रोटी का संकट किन लोगों पर आता है जिनके पास किसी तरीके की सेविंग्स नहीं होती, जो रोजमर्रा की लाइफ जीते हैं, जो रोज कमाते रोज खाते हैं उनके लिए, तो स्ट्रीट वेंडर के लिए जरूर यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनको। और ऐसे स्ट्रीट वेंडर का भी गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है, उन्हें 10,000 रुपए तक का स्पेशल क्रेडिट मुहैया कराया जाएगा ताकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उनके पास नकद अवेलेबल रहे। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इसका फायदा मिलेगा जिनकी आमदनी पर लॉकडाउन की वजह से असर पड़ा है। अगर स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा और 10,000 रुपए के एडवांस को चुकाने का उनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, तो इसकी लिमिट भी बढ़ाई जाएगी। सरकार इस योजना पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, सरकार 1 महीने के अंदर ऐसी स्कीम लॉन्च कर देगी। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रीट वेंडर को भी गवर्नमेंट ने फायदा दिया है। सातवां जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है वो है 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़। देखिए ये पॉइंट जरूर यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसानों के लिए जो फायदे यहाँ सरकार ने कल
हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताए हैं, वो फायदे ऑलरेडी पहले से मिल रहे हैं किसानों को। तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये पार्ट टू में जो इन्होंने डिस्कस किया किसानों पर वो कोई नई चीज है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसानों को ये सब चीजें जो फैसिलिटीज हैं वो ऑलरेडी मिल रही है। देखिए, किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा मिलेगी, ब्याज दरों पर छूट कितनी होगी अभी यह तय नहीं है। ओके, 2.5 करोड़ किसान, मछुआरे और पशु पालने वाले इसका फायदा उठा पाएंगे। यह फायदा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार ने यह भी साफ नहीं किया है कि यह कब मिलेगा। तो ये देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं सब ऑलरेडी किसानों को मिल रही है। किसान आठवां जो बड़ा डिसीजन है वो किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मदद है। फसलों के लिए किसानों को कर्ज आसानी से मिले और इसके लिए सरकार नाबार्ड की मदद करेगी, जो नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसकी मदद करेगी। 3 करोड़ छोटे सीमांत किसानों को, जिनके पास पैसों का संकट है, जिन किसानों के पास खेती के लायक 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, ऐसे किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। सरकार नाबार्ड के जरिए ग्रामीण सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 30,000 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी। यह पैसा आगे जाकर 33 राज्यों की सहकारी बैंकों, 351 जिला सहकारी बैंकों और 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलेगा। और ये कब मिलेगा सरकार ने अभी तक इसको साफ नहीं किया है इस बात को। एवं नवा जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया वो आदिवासियों के रोजगार से रिलेटेड है। शहरी गांवों और कस्बों के इलाकों में आदिवासियों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए सरकार 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जंगलों, वन्य जीवों की हिफाजत, पौधे लगाने, मिट्टी सहेजने जैसे कामों में रोजगार दिए जाएंगे। तो ये 9 बड़े डिसीजन है जो कोरोना पैकेज, राहत पैकेज 2 के अंतर्गत निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किए 14 मई के दिन, जिस पर मैंने डिस्कस किया है। राहत पैकेज के अलावा किसानों के लिए इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। ठीक है, सरकार ने छोटे किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम और वक्त पर कर्ज चुकाने पर इंसेंटिव देने की स्कीम को बढ़ा दिए। जो किसान 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं उनको उनका 2% ब्याज 1 साल के लिए सरकार चुकाती है। इसी तरह अगर वे कर्ज समय पर चुकाते हैं तो उन्हें ब्याज में 3% की छूट दी जाती है। यह एक तरीके की इंटरेस्ट सब्सिडी होती है। यह स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। 2 महीने में 63 लाख किसानों को कर्ज दिया गया। 1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच 63 लाख किसानों को 86,600 करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया कराया गया है। और 28 मार्च से शहरी इलाकों में बेघरों को 3 वक्त का खाना मुहैया कराया जा रहा है। 12 ये देखिए, ये जितनी भी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई ऑलरेडी पहले ही डिस्कस हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ी बात है, जो न्यूनतम मजदूरी 182 रुपए उसको 202 रुपए कर दिया है। ओके, जो मजदूर लोग काम करते हैं उनको न्यूनतम मजदूरी दर को भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन थे जो मैंने आपके सामने यहाँ डिस्कस किए हैं। 9 महत्वपूर्ण डिसीजन जिनमें आपके सामने मैंने 9 ही डिस्कस किए हैं। स्ट्रीट वेंडर के लिए राहत के पैकेज दिए हैं गवर्नमेंट ने, और ये 5,000 करोड़ रुपए तक का स्पेशल पैकेज है। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जाएगा, और 2,000 से 10,000 रुपए तक इनको गवर्नमेंट लोन देगी। और ये ऑनलाइन स्कीम होगी जो बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर शुरू कर दी जाएगी। और डिजिटल रीपेमेंट करने पर इनको इनाम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात इनको ये भी है कि इनको लोन का अमाउंट भी बढ़ाया जाएगा अगर ये टाइम पे लोन की रीपेमेंट करते हैं। ओके, मुद्रा के तहत जो शिशु लोन दिए जाते हैं उस पर भी फायदा दिया गया है। 50,000 रुपए तक के छोटे लोन पर 2% की छूट मिलेगी, और इस स्कीम का फायदा अगले 12 महीनों तक दिया जाएगा। 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा, जिनके ऑलरेडी कोई ना कोई 50,000 तक के लोन बिजनेस के लिए जो ले रखे हैं वो चल रहे हैं। ओके, और मुद्रा लोन कौन ले सकता है? 23 से 28 साल की उम्र तक का कोई भी व्यक्ति मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकता है, यानी रोजगार लोन। एग्रीकल्चरल सेक्टर को राहत पैकेज में किसी तरीके का कुछ मेगा कुछ खास नहीं मिला है यहाँ पर, क्योंकि ये जितनी भी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली गई है, निर्मला सीतारमन जी ने भी बोली और केंद्रीय वित्त मंत्री वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो बोला गया है वो सब ऑलरेडी करंट में भी जारी है। तो देखिए, इसमें किसान सम्मान से हर किसान के खाते में 6,000 रुपए डाले, ये सब पुरानी बातें हैं जो 2014 के भाषण में बोली गई थी। और ये सुविधाएं लॉकडाउन के शुरुआत से ही किसानों को दी जा रही हैं, तो ये सुविधाएं
ऑलरेडी रनिंग में है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। देखिए क्या क्या सुविधाएं हैं, 3 करोड़ किसानों के लिए 4,22,000 करोड़ का कृषि ऋण पहले ही दिया जा चुका है, 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी है जिस पर ऋण की लिमिट 25,000 करोड़ रुपए होगी, गांवों में कोऑपरेटिव बैंक, रूरल और रीजनल बैंक्स की एस्टैब्लिशमेंट होगी के जरिए लोगों तक ये रिफाइनेंस स्कीम्स पहुंचेगी, और ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4,200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को मार्च में ये राशि उपलब्ध करवा दी गई है। तो देखिए जितनी भी चीजें हैं ये सब चीजें ऑलरेडी रनिंग में है ये सुविधाएं। तो कल की जो पैकेज था, राहत पैकेज, उसमें किसानों के लिए कुछ खास यहाँ पर नहीं था, है ना। प्रवासी मजदूरों के लिए जरूर यहाँ पर फायदे, एक राहत पैकेज है कि उन्हें राशन कार्ड, एक तो वन नेशन वन राशन कार्ड वाला ऐलान किया है गवर्नमेंट ने, पोर्टेबिलिटी स्कीम का ऐलान किया, और शहरों में सस्ते किराए पर इनको मकान मिलेंगे, तो ये प्रवासी मजदूरों के लिए, और जो शहरी गरीब लोग हैं उनको ये फायदा मिलेगा। ओके, उसके अलावा पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत जो प्रवासी कामगार हैं उनको 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मिलेगा, और अगले 3 महीने तक ये आप राशन की दुकानों से ले सकते हो। वित्त मंत्री जी ने कहा बेघर लोगों को फिलहाल 3 समय का खाना दिया जा रहा है, और राज्यों को प्रवासी मजदूरों को काम देने को भी कहा गया है। मनरेगा के अंतर्गत जो नरेगा स्कीम होती है उसके अंतर्गत अब मजदूरी 202 रुपए बढ़ा दी गई है, यहाँ पर पहले 182 रुपीज था जिसको बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया। ये जितने भी स्कीमें हैं, ये चाहे कोरोना राहत पैकेज 1 हो, राहत पैकेज 2 हो, ये जितने भी यहाँ पर बूस्टअप किया जा रहा है वो भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए बूस्टअप किया जा रहा है, और इससे भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, और इसका जो फायदा है हर तरीके के सेगमेंट को दिया जा रहा है। हमने देखा राहत पैकेज 1 के अंतर्गत छोटे उद्योगों को, MSME को फायदा दिया गया था, और कल ये जो फायदा है मजदूरों, किसानों तक को दिया गया है। तो ये कल की जो स्पेशल जो राहत पैकेज है 20 लाख तक का राहत पैकेज के अंतर्गत जो Day 2 में गरीबों के लिए जो योजनाएं लागू की गई उसकी क्लास थी। अब मैं स्क्रीन आपको शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और अगर आपको कुछ भी आज की क्लास से रिलेटेड पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये था कोरोना राहत पैकेज 2 जिसके अंतर्गत काफी सारे डिसीजंस, 9 महत्वपूर्ण डिसीजंस जो मैंने आपको चर्चा किए हैं। आपको किसी को कुछ भी पूछना है सर, ये पीडीएफ फाइल सेंड कर सकते हैं आप ग्रुप में? ये पीडीएफ फाइल मैं आपको इस क्लास के बाद सेंड करने वाला हूं, और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये भी मैं, इसका लिंक भी आपको इस क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन और था। हेलो सर, एक और क्वेश्चन था। हाँ आवाज आ रही? हाँ आ रही। हाँ सर, मैं कह रहा जैसे कोई जो छोटे व्यापारी है, ट्रेडर्स है, जिसकी टर्नओवर 8 लाख 10 लाख 5 लाख ऐसे कुछ है, बहुत छोटे व्यापारी है ना अलग अलग, तो उसमें उस प्रॉपर्टी से लेकर उनको क्या मतलब फैसिलिटी मिल सकती है, या उनको क्या राहत मिल सकती है जिनका कुछ ऐसा कोई लोन वोन नहीं ले रखा है उनको? छोटे व्यापारी देखो, एक चीज आपको ये समझनी है, जो 20 लाख करोड़, देखो हम लोग सब कॉमर्स और फाइनेंस पढ़ने वाले लोग है ना, तो हम लोगों को ये चीज समझना है कि जो सरकार, देखो अभी भारत सरकार ने यहाँ पर राहत पैकेज जो डिक्लेयर किए गए हैं या जितने भी स्कीमें ये लोग लेके आ रहे हैं, ये स्कीमों में आप देखो ज्यादातर जो, पहली बात तो ये है कि जो छोटे व्यापारी लोग हैं उनको तो पार्ट 1 जो पहला दिन जो कल मैंने क्लास लिया था उसमें बताया था MSME को जो फायदा है, MSME के एक तो लिमिट डेफिनेशंस में चेंजेस हुए हैं, उनकी जो लिमिट है टर्नओवर लिमिट और इन्वेस्टमेंट लिमिट उसको बढ़ा दिया गया है ना MSME में, अब आपको काफी सारी यूनिट्स नई ऐड हो जाएगी MSME में। MSME को भी लोन देती है गवर्नमेंट और काफी सारी सब्सिडी देती है, इंटरेस्ट के बेनिफिट्स देती है, तो आपको जो ये फायदे हैं वो लोन के रूप में मिलने वाले हैं। अभी देखो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, आज का ही मैं एग्जांपल बताता हूँ, गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर को फायदा देने का सोचा,
तो स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए तक का लोन देने का सोचा। अब जो लारी लगा था, सपोज आप सोचो कि कोई पानी पतासे वाला है जो किसी कॉर्नर पर अपना पानी पतासे का स्टॉल लगाता था, ओके, अब वो पिछले 2-2.5 महीने से घर पे बैठा हुआ है, तो उसका तो पूरी तरह से एक प्रकार से कमर टूट गया उसके बिजनेस का। अब जब वो जब लॉकडाउन खुलेगा और उसके बाद रिस्टार्ट करेगा, तो देखिए उसके पास जो भी हल्का फुल्का जो भी सेविंग रहा होगा, वो तो इन 2 महीनों में वो उसका पूरा खर्च हो गया होगा उसके परिवार के पालन पोषण में। तो अब उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि वो वापस अपना जो धंधा स्टार्ट करेगा उस वक्त उसको मटेरियल भी लाना पड़ेगा मार्केट से, तो अब वो मटेरियल किन पैसों से लाएगा। मतलब वो एक प्रकार से सब सब्जी वाला ही है, सब्जी का लारी चलाने वाला रेडी वाला है, तो वो सब्जियां कैसे खरीदेगा। तो गवर्नमेंट ने उनको स्ट्रीट वेंडर्स को छोटे छोटे लोन यहाँ पर दिए हैं, ताकि एक प्रकार से जैसे ये लॉकडाउन हटे तो वो वापस अपने उस काम में इंगेज हो जाए, उनको उस वक्त कैश या लिक्विडिटी की प्रॉब्लम न रहे। वो लिक्विडिटी गवर्नमेंट इन्हें ऑनलाइन अवेलेबल करवाएगी, इजी वे में अवेलेबल करवाएगी, उनके खातों में वो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैसा देना नहीं उनको, कि भैया आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, आपको अपना जो भी माल मटेरियल खरीदने के लिए पैसा गवर्नमेंट दे रही है तो आप भूल जाओ, ऐसा नहीं है। आप वो लोन है, आपको रीपेमेंट करना है उसका। और तो गवर्नमेंट ये जितने भी राहत पैकेज की बात कर रही है, यहाँ पर देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, मार्केट में लोगों की लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है। तो मार्केट में रोटेशन बनाने के लिए अब हर तरीके के सेगमेंट को वर्किंग कैपिटल का नीड होगा। तो वो वर्किंग कैपिटल किस रूप में दी जा रही है, किसी को या तो इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन देके दी जाएगी, किसी को लोन देकर दी जाएगी, तो इस तरह से दी जाएगी, रोजगार दिए जाएंगे। तो ये राहत पैकेज का मतलब ये होता है कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो। तो गवर्नमेंट देखो यहाँ पर दो चीजें हो रही है, कुछ चीजें खर्च करेगी, कुछ गवर्नमेंट अपनी इनकम के भी क्राइटेरिया, अपनी इनकम के भी सोर्सेज क्रिएट करेगी। लोन दे रही है तो गवर्नमेंट अपनी इनकम के सोर्सेज क्रिएट कर रही है कि वापस विद इंटरेस्ट आपको वो पैसा रीपेमेंट होगा, ठीक है। और रोजगार दे रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है उस पैसे को। तो हमें कभी भी ध्यान देना, जो जो हमारी सरकार होती है, तीन फैक्टर्स इंपोर्टेंट चीज होती है, एक तो होता है उनका एक्सपेंडिचर, एक होता है उनका इनकम, और तीसरा होता है लोन, ठीक है। तो ये तीनों चीजों पर ये पैकेज डिक्लेयर किया गया है, और ये तीनों चीजों से बूस्टअप करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए पैकेज डिक्लेयर किया जा रहा है। और वन बाई वन, अब ये इतना बड़ा पैकेज है, 20 लाख करोड़ का पैकेज है, तो एक दिन में ही सब योजनाएं नहीं डिक्लेयर कर दी जाएगी, वन बाई वन ये अलग अलग सेक्टर वाइज ये योजनाएं डिक्लेयर की जा रही है। पहले दिन हमने देखा उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, लघु सूक्ष्म इकाइयों के लिए ये योजनाएं डिक्लेयर की। दूसरे दिन हमने देखा यहाँ पर कि इन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनके लिए, या जो छोटे जो रोजगार के लिए लोन लेते हैं वो लोगों के लिए इन्होंने ये स्कीमें लागू की है। तो अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज 2 की बात करें, जो कि कल 14 तारीख को जो फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया, तो छोटे बिजनेस वालों को अगर हम सिर्फ देखें तो मुद्रा शिशु लोन, जो 50,000 रुपए तक का जो बेरोजगार व्यक्ति जब कोई रोजगार चालू करता है लोन लेता है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर एक उनको फायदा दिया 2% छूट का। बाकी एमएसएमई की अगर अपन बात करें तो वो हमारा पार्ट 1 में मैंने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया कि कैसे उनको फायदा दिया जाएगा ऐसा। आप उस क्लास को अटेंड कर, ये जो ये सब रिकॉर्डिंग है ना, आप कम से कम 2 बार सुनो, आप लोग अच्छे से। नहीं, कल सर, कल था, मैं कल डिस्कनेक्ट हो गया था वापस, वो कनेक्ट नहीं हो पाए थे अपन वापस। तो आप वो मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा ना, वो रिकॉर्डिंग डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको उसको पूरा एक बार सुन लो कम्प्लीटली वापस। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी सर उसमें कुछ? हाँ, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी? इंटरेस्ट रेट वो अभी कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है कि कैसे रहेगी। अच्छा, अब देखो इन्होंने, देखो ऐसा नहीं है कि सरकार है तो सरकारों ने आपस में डिस्कस करके योजनाएं ला तो रहे हैं, लेकिन योजनाओं का अभी क्रियान्वयन करना बाकी है, इसलिए इनको टाइम लगेगा, इतना आसान भी नहीं है हर चीज। यस सर, यस सर, ये सब योजनाएं धरातल पे आने में टाइम लगेगा, ये बनेगी अभी तो। डेफिनेटली, ओके सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए ओके, मैं ये पीपीटी आपको, सॉरी पीडीएफ लिंक अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, पीडीएफ और ये लिंक भी शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो का। तो आप जो भी क्लास को लेट अटेंड किया है या आप बीच में डिसकनेक्ट हो जाते हैं तो आप वापस अटेंड करें। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में कल।